हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे फ्रेंड्स और अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो आज अभी बजे है सुबह के 6 और मैं जा रही हूँ अपने पुराने घर और सोचा आपको भी साथ लिए चलती हूँ फ्रेंड्स। और यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज़ तो बढ़िया है कि शहरों की तरह मॉर्निंग वॉक नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ काम सुबह ही काम पर जाना पड़ता है और काम भी हो जाता है और मॉर्निंग वॉक भी हो जाती है। दो काम एक साथ हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो सोचा मैं आपको भी इस टाइम साथ ले चलती हूँ अपने। और हम जा रहे हैं अभी फ्रेंड्स, और ये देख सकते हैं आप सुबह का सुंदर नज़ारा। और ये हमारे कुछ गांव हैं फ्रेंड्स, इनको भी मैं आपको कभी दिखाऊंगी। और अभी तो फ़िलहाल जा ही रहे हैं हम। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कांटेदार पौधे भी है। आपको बहुत सारे पौधे मिलेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे देखने के लिए। आप कभी पहाड़ आओगे या आपके घर कहीं पहाड़ में होंगे। तो ये हम पहुँच चुके हैं फ्रेंड्स अभी अपने पुराने घर के पास। और ये जो आप देख रहे हैं ये है सिंबल का पेड़, और ये एक पहाड़ी फल होता है फ्रेंड्स, और ये सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों में ही पाया जाता है। और ये कुछ इस तरह से होता है, ये इसके दो काम होता है। पहला तो ये सब्जी के काम आता है, और दूसरा ये जब पक जाता है तो खाने में बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है। और कुछ इस तरह से होता है जैसे हम अभी दिखा रहे हैं फ्रेंड्स आपको। और ये हम इसको निकाल लेते हैं इसमें, क्योंकि हमारा भी बहुत मन हो रहा है, क्योंकि ये अभी पका है तो हमारा खाने का बहुत ज़्यादा मन है, हम भी इसको खाएँगे। तो हमने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर लेते हैं और हम भी खा लेते हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, और इस तरह से ये कुछ पेड़ होता है और इस तरह से इसके पत्ते होते हैं फ्रेंड्स। और ये देख सकते हैं, वाह कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स देखने में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ज़रूर। और ये आप यहाँ पे हमने निकाल लिए है। और तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, इसको तिरमल कहा जाता है पहाड़ी भाषा में। और भी बताएगी मतलब अलग अलग गांव में इसको अलग अलग नाम दिए जाते हैं, जिस तरह से क्या बोलते हमारे यहाँ पे इसको सिंबल बोला जाता है, कहीं इसको सिंबलियो बोला जाता है, और हिंदी भाषा में इसको और फ्रेंड इसको हिंदी भाषा में अंजीर बोला जाता है। और ये देख सकते हैं आप ये किस तरह से होता है, इसमें ऐसा लग रहा है जैसे शहद है। और सच में ये फ्रेंड्स खाने में बिल्कुल शहद की तरह मीठा होता है। और ये आपको खा के बताएगी अभी इसको कैसा लगता है खा के। कैसा है इसका टेस्ट? बहुत ही मीठा है और ये शहद की तरह लगता है। अच्छा, तो फ्रेंड्स ये जो आप देख रहे हैं ये कांटेदार जो फल आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं, इसको फ्रेंड्स कशमल बोलते हैं। और इसका पौधा जो होता है वो कांटेदार होता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे अभी। और ये जब फ्रेंड्स कच्चा होता है तो ग्रीन कलर का होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जब ये पक जाता है तो ये ब्लैक कलर का हो जाता है फ्रेंड्स। और ये देख सकते हैं आप इसमें कांटे कितने हैं। अगर कभी आप इसे खाओ तो ध्यान जरूर रखना, क्योंकि कांटे बहुत ज़्यादा नुकीले होते हैं। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप कशमल का फल, जब फ्रेंड्स ये कच्चा होता है तो थोड़ा इस तरह से होता है जो आप इधर देख पा रहे हैं, और जब ये पक जाता है तो ये ब्लैक कलर का हो जाता है, और जब कच्चा होता है तो ग्रीन कलर का होता है। और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और अगर आप इस फल को तोड़ते हैं फ्रेंड्स तो ये कुछ ऐसा हो जाता है, देख सकते हैं इसमें रेड कलर होता है। तो फ्रेंड्स ये है फेकड़े का फल, इसको फेकड़ा कहा जाता है, और ये सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों में ही पाया जाता है फ्रेंड्स। मुझे हिंदी का नहीं पता फ्रेंड्स इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन हमारी लोकल लैंग्वेज में इसको फेकड़ा ही बोलते हैं फ्रेंड्स। और ये कुछ इस तरह से होता है, आप देख सकते हैं जब ये कच्चा होता है फ्रेंड्स तो ग्रीन कलर का होता है, और जब पक जाता है फ्रेंड्स तो ये ब्लैक कलर का होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स। और ये इसका कुछ पेड़ है इस तरह से, इतना बड़ा इसका पेड़ होता है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ मैं फ्रेंड्स। और इस तरह से इसका पेड़ होता है और इस तरह से ये लगता है फ्रेंड्स। तो ये सुंदर सुंदर फल आपको सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों में ही खाने को मिलेंगे फ्रेंड्स।
और आप कभी आइएगा तो ज़रूर आपको खिलाएंगे फ्रेंड्स। और आपको ये फल कैसा लगा? और ये फ्रेंड्स कुछ ऐसा होता है देखने में, आप देख सकते हैं, और अंदर से ये कुछ ऐसा होता है, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स। और इसका टेस्ट जो होता है वो मीठा होता है। तो फ्रेंड्स जो आप ये पौधा देख रहे हैं, इस पौधे का नाम है तीवर, इसको तीवर कहा जाता है फ्रेंड्स। और ये आप इसमें दाने देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये इसके फल होते हैं फ्रेंड्स। इसकी चटनी भी बनाई जाती है। और पहले के जो लोग थे वो इसकी दातुन क्या करते थे, क्योंकि पहले ब्रश नहीं होती थी फ्रेंड्स, और आज हम भी इसकी दातुन कर रहे हैं फ्रेंड्स। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।